दोस्तों दिल्ली में दो अलग अलग जगह से बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स आई हुई है। बिल्कुल 100% परमानेंट रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अभी इस रिक्रूटमेंट के लिए चल रही है। दो नोटिफिकेशन सिंगल वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सैलरी 80,000 रुपए के आसपास बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको इसमें मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ वैकेंसियां आई हुई है। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये एक रिमाइंडर वीडियो है। अंतिम तिथि बिल्कुल नजदीक आ गई है। जिस दिन ये रिक्रूटमेंट आई थी उस दिन भी मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड कराई थी। अब अंतिम तिथि बिल्कुल नजदीक आ गई है, तो दोबारा से एक बार शॉर्ट में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा देता हूं। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से ये है पहली रिक्रूटमेंट। पदों का विवरण देखिए, कॉमर्स की 5, कंप्यूटर साइंस की 3, इकोनॉमिक्स की 10, इंग्लिश 13, एनवायरमेंटल साइंस 4, ज्योग्राफी 8, हिंदी 10, हिस्ट्री 4, मैथ 7, फिलोसफी 9, पॉलिटिकल साइंस 3, संस्कृत 6। कुल 82 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट है और ये रिक्रूटमेंट आ रही है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। ये लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ये कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24/11/2023 या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन के 2 सप्ताह के अंदर अंदर, जो भी लेटर जो भी बाद में है वही अंतिम तिथि है। अगर आप एलिजिबल हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो अभी आप आवेदन कर दीजिए। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस रिक्रूटमेंट के लिए चल रही है। टीचिंग जॉब्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हुई श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में वैकेंसियां हैं। ये पदों का विवरण मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन लगभग सेम ही होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। दूसरी नोटिफिकेशन में मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगा। एप्लीकेशन फीस 500 रुपए है अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए। और जो दोस्तों दूसरी रिक्रूटमेंट है वो आ रही है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। इनके लिए भी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन के 2 सप्ताह के अंदर अंदर है। तो अभी इनकी भी अंतिम तिथि बिल्कुल नजदीक आ गई है। आज या कल ही अंतिम तिथि है इनकी भी। अगर आप आवेदन करना चाहें तो यहां पे भी आप आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पद का नाम है, फिर से देख लीजिए, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अलीपुर की तरफ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। पदों का विवरण यहां, बोटनी 5, केमिस्ट्री 3, कॉमर्स 4, कंप्यूटर साइंस 2, इकोनॉमिक्स 2, इंग्लिश 4, ज्योग्राफी 3, हिंदी 2, मैथ 3, बायोलॉजी 2, फिजिक्स 3, पॉलिटिकल साइंस 2, संस्कृत 1 और जूलॉजी की 5 वैकेंसियां आई हुई हैं। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल सेम वही है। जहां तक एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात है, वैसे आपको पता ही होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नहीं पता तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एलिजिबिलिटी ए और बी, या तो एलिजिबिलिटी ए आपके पास हो या एलिजिबिलिटी बी आपके पास हो। एलिजिबिलिटी ए है मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट रेलिवेंट या अलाइड सब्जेक्ट में, और उसी के साथ साथ आपका नेट क्लियर होना आवश्यक है। मास्टर्स डिग्री 55% अंकों के साथ आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपने पीएचडी कर रखी हो। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो फिर आपको नेट की आवश्यकता नहीं है, पीएचडी बेसिस पे आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो मास्टर्स डिग्री प्लस नेट के बेसिस पे आप आवेदन कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो दिल्ली में जितने भी कॉलेजों में रिक्रूटमेंट आती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनके लिए यही क्वालिफिकेशन है, अलग नहीं है। डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो सारी जानकारी इन डिटेल्ड नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कराई गई है। आप ध्यान से ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। मैं अभी इनका पीडीएफ आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देता हूं। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।